गाइस ये लोग पता है क्या कह रहे हैं, अब बता। मैं नहीं बताऊंगा क्या कह रहे हैं। गीदर देखा है हमने आज अभी। गाइस इन लोगों ने पता नहीं कहां गए थे जंगलों में, और ये लोग गीदड़ देख के आए हैं। भाई गीदड़ आपने भी सुना होगा, किस किस ने देखा? मैंने और राहुल ने। और मैं 10 साल पहले देखा था। भाई गीदड़ जो है वो रहते हैं जंगलों में। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी गीदड़ से रिलेटेड, कि तू तो गीदड़ है, तू तो ये है वो है, ऐसा करके भी होता है, या गीदड़ भपकी दी, या गीदड़ जैसा डरपोक, या ऐसा कुछ सुना होगा। लेकिन गीदड़ रहते हैं जंगलों में, हमको देखने को नहीं मिलते, सिटीज में तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते। लेकिन इन लोगों ने देख लिए, अब हमारी भी इच्छा है कि यार हम लोग भी गीदड़ देखें और आप लोगों को भी गीदड़ दिखाएं। लेकिन ये कोई ईजी काम नहीं है, ये वीडियो बनाने कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब प्लान बन चुका है कि यार गीदड़ ढूंढ करके देखना है और आप लोगों को भी दिखाना है। क्या आपने गीदड़ देखा है गाइस असली में सच्ची मच्ची का, तो वो कमेंट से बता देना जरूर से। और पता है बहुत सारे लोगों ने शेर देखा होता, टाइगर देखा होता, पर गीदड़ नहीं देखा, गीदड़ की शक्ल नहीं जानते लोग, नाम जानते हैं लेकिन देखा नहीं होता, और रियल लाइफ में तो बहुत कम लोगों ने देखा होता है। तो आज गाइस कोशिश करते हैं इसी चीज की, गीदड़ ढूंढने की। टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है और ऐसे टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेजी एक्सवाईजी पर मिलेंगे। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, फटाफट से शुरू करते हैं, वीडियो के लिए लाइक भी ठोक देना। चलो 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 फटाफट चलो निकलते हैं। चलो चलो भाई चलो 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 भाई, गीदड़ ढूंढने के मिशन पर हम लोग निकल चुके हैं। एक ऐसा शर्मीला जानवर जो कि दिखता नहीं है, ज्यादातर लोगों ने लाइफ टाइम में नहीं देखा। चलो भाई गाइज, अभी हमें पहला गीदड़ दिखा है और अनफॉर्चुनेटली हम उसको कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम कैमरा ऑन करते उससे पहले ही वो भाग गया। गीदड़ बहुत ज्यादा शर्मीले जानवर होते हैं, तो ऐसे रुकते नहीं है कहीं पे भी वो। और अभी हम रोड पर चल रहे हैं, ऐसे रोड पर था साइड में और तुरंत घुस गया, उसके घुसने के तरीके से पता लग गया कि वो गीदड़ है। साफ साफ देखा है मैंने। वेट 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 हां चलो 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 कहाँ है 100 मीटर आगे लेफ्ट साइड उसकी आंख जली है भाई। यहाँ पे गीदड़ ये रहा, ये क्या है भाई? बस स्लो चलना गाइस, ये गीदड़ होना चाहिए। लाइट जलाओ, गाड़ी की लाइट जलाओ। ये गीदड़ है। हाँ भाई, ये देखो कुत्ते से छोटा होता। ये रहा भाई, ये रहा गाइस, गीदड़ दिख गया हमको पहला हमारा। स्लो चल। ओ ये रहा गाइस, ये रहा, करता रो आगे चलो, और चलो और चलो चल गाइस, ये रहा गीदड़ और आपके सामने है। ये देखो हमारी गाड़ी से इतना दूरी पे, ये रहा देखो भाई, इसका फेस वे सब कुछ आपको दिखे। ओ भाई ये इसका मुंह, अरे इसको डर भी नहीं लग रहा, इसको डर नहीं लग रहा, और ये कंफ्यूज है कि कहां जाऊं। ओ भाई गाइस हमारे सामने गीदड़ है फिलहाल, ये रहा रोड पर घूम हां करता है, बस स्लो रख। ओ भाई ये रहा ये छुप गया भाई, ये गया। उतर सकते हैं कि देख सकते हैं इसको? हैं नहीं उतर नहीं सकते। यहीं पे है भाई। कहां है कहां पे है? इधर ये रहा वो गया, उसमें गया भाई। अटैक कर सकते हैं क्या? नहीं एक सेकंड यहीं वेट करते हैं। गाइस गीदड़ हमको मिल गया, और आपने देखा इसका जो साइज है वो कुत्ते से छोटा होता है, कुत्ते का जो साइज होता है उससे आधा ही साइज होता है, और बहुत अलग दिखता है। और ये एक शिकारी जानवर है, एक जंगली जानवर है, और मैंने आपको कहा था ना गाइस गीदड़ दिखाएंगे आपको, और गीदड़ दिख भी चुका है। क्या बात है, हम लोगों को आधा पौना घंटा हो गया था, और मुझे पता था क्योंकि पूरी स्टोरी है यार कि पास में जंगल है और वहां से गीदड़ आ जाते हैं। अरे नहीं गीदड़ है ये रहा है, हाँ स्लो रख। अरे गीदड़ है भाई, साफ साफ गीदड़ है। बिल्ली है यार, अरे बिल्ली है यार। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई हम लोग निकल चुके हैं गीदड़ की तलाश में, और अब रोड पर पहले देख रहे हैं, यहाँ से जंगल पास है तो हो सकता है यहाँ भी मिल जाए भाई।
सामने बिल्कुल सामने हाँ हाँ वो रहा भाई गिदड़ हो रहा आंखें जली करता स्लो कर स्लो कर स्लो कर स्लो कर स्लो 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 ये रहा करता चलने दे बस 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 स्लो थोड़ा फास्ट कर ले थोड़ा फास्ट कर ले घुस गया गया गाइस एक और गिदड़ मिला हमें अभी क्या बात है भाई भाई अब हम ले रहे हैं यहाँ पर ये वाला लेफ्ट क्योंकि इस रास्ते पर ज़्यादा संभावना है कि जो गीदड़ है वो मिल जाए क्योंकि ये एरिया थोड़ा सुनसान है पहाड़ों के पास भी है और यहाँ पर जंगल से गीदड़ आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं रोड पे देखो ठीक गीदड़ी है गीदड़ी है अच्छा बैठा था वो चल 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 देखा चल पास चल पास चल स्लो ही चलना लेकिन वो डर डर जाएगा नहीं हाँ चल चल चलो 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 गाइस ये रहा गीदड़ करता रे दो गड्ढे पार कर दे यार जल्दी जल्दी इसके पास पहुँचा गाइस ये रहा गीदड़ और देखो ये भाग के जा रहा है आपके सामने और ये गया भाई ये था हमारा तीसरा गीदड़ तीन गीदड़ मिल चुके भाई यहाँ पे घुसा है अब भी ये रहा भाई ये भाग गया ये रहा भाई गीदड़ भाग के जा रहा आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे और अब ये घूमेगा क्या यहाँ से निकल के गया है अभी ये खड़ा करता रोक के रख मत चला मत हिला मत गाड़ी हिला मत ओ हिलना मत बोलो मत जोर से बस यहीं रहोगे ये दो आ गए भाई यहीं पे चलो ये रहा गाइस ये रहा गीदड़ और छह गीदड़ देख लिए भाई हमने छह गीदड़ मिल गए भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना तो पानी पीने के लिए आएगा हाँ घुमा तो सीधा कर भाई ये रहा और गाड़ी की लाइट अब इस पे गिरेगी तो आपको अच्छे से दिखेगा अरे यार मेरा कैमरा ही ब्लर हो ये रहा ये छुप रहा भाई ये रहा गीदड़ हाँ छोटा है इसका साइज बहुत छोटा है बच्चा है ये गीदड़ का बच्चा लग रहा है मेरे को तो एकदम और एक वो सामने रहा आगे हाँ एक और है भाई भाई आज पहली बार इतना मतलब क्लोज से या इतना ध्यान से गीदड़ देखे हमने भाई ये रहा मरना तेरे को डर नहीं लगता देखो भेड़िए की जैसी इसकी शक्ल है और ये एकदम से डरा और उधर चला गया यार ये रहा गाइस ये निकल के भागा गीदड़ और अभी रोड पे ही है देखो कंफ्यूज हो गए किधर जाऊं नहीं नहीं हाँ ये दो हैं ये इनकी फैमिली है यहाँ पे सात गीदड़ दिख गए भाई एक तो वही है जो अपने साथ आया था हाँ धीरे धीरे आगे ले धीरे धीरे स्लो स्लो ओए 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 ये भागे ये देखो भाई दो गीदड़ सामने जा रहे हैं गाइस हमारे सामने यहाँ पर गीदड़ है वो भी दो दो और ये ऐसे जानवर है जो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे भाई कमेंट्स में बताओ किस किस ने गीदड़ देखे असली में अपनी जिंदगी में ये देखो और ये कुछ खा रहे हैं ये दोनों लोग कुछ खा रहे हैं ये और भाई हम इनको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं हम जस्ट इनको देख रहे हैं रुक के ना हम गाड़ी से उतर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं सिर्फ हम गाड़ी से देख रहे हैं इनको गाइस ये जो गीदड़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शर्मीले जानवर होते हैं तो इसीलिए ये छुप जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो गीदड़ हैं वो थोड़ा सा फ्रैंक हैं वो कैसे हैं ये तो नहीं पता लेकिन ये जंगली जानवर है भाई और हम लोगों के सामने खड़े हुए हैं दो गीदड़ फिलहाल एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ और एक गीदड़ गाड़ी के पीछे भी है जो कि हम लोग नहीं देख रहे हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे गीदड़ को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं भाई किसी जंगली जानवर को हम सिर्फ गाड़ी में बैठ करके देख रहे हैं उनको और ये एक्चुअली में भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है अच्छा आप खुद बताओ आप में से कितने लोगों ने गीदड़ देखा है आपने आप में से कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी में असली में सामने गीदड़ देखा है जल्दी से कमेंट्स में बताओ गीदड़ को इंग्लिश में जैकल बोलते हैं भाग रहा है कितना तेज भागने लग गया देखो गाइस मेरा कैमरा फोकस नहीं किया ब्लर आप दिखा था आपके में दिख गया था बिल्कुल बढ़िया चलो इनके में दिख गया वहाँ पर गीदड़ था गाइस वो भी आठवां मेरा जो कैमरा है ना वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाया यार इस वजह से गड़बड़ हो गई बाहर जाके देखते हैं एक बार भाई हम लोग गाड़ी से बाहर उतर चुके हैं कि शायद हमको गीदड़ यहाँ पर दिख जाए इस जगह पर था यहाँ से थोड़ा सा आगे था और रोड पर ही था और ये जो जानवर होते हैं ना बाहर इसलिए निकल सके हम लोग कि ये जो जानवर है ना
ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा शर्मीले होते हैं। यहाँ ये जंगल का एरिया नहीं है, ये नॉर्मल रोड है गाइस, तो यहाँ पर जा सकते हैं कभी भी किसी टाइम। रात के लगभग 2:30 बजे हैं और हम लोग गीदड़ ढूंढने निकले थे, सिर्फ ढूंढने और देखने, इतना ही हमारा पर्पज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जंगल है। अब ये जानवर इतना दूर कैसे आ गए हैं सारे के सारे, ये पता नहीं भाई, या फिर ये यहीं रहते हैं। इन रोड पर हम बहुत बार आते जाते हैं लेकिन हमने एक्चुअली दिन में तो कभी गीदड़ नहीं देखा, किसी ने ही नहीं देखा होगा, और ज़्यादातर लोगों ने तो गीदड़ ही नहीं देखा। गाइस ज़रूर से सब लोग नीचे कमेंट्स में बताना कि आपने गीदड़ देखा है क्या, और देखें अगर ज़्यादा देखें तो कितने देखें और कहाँ देखें, लेकिन गीदड़ देखा है क्या ये जल्दी बताओ कमेंट्स में, हमें पता तो लगे। चलो गाइस आगे चलते हैं और गीदड़ ढूंढते हैं। आपको भी कह देना चाहता हूँ ये चीज़ ट्राई मत करना, ये शिकारी जानवर है, ये शर्मीले हैं लेकिन हमला भी कर सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है। भाई ये शिकारी है, इसके दांत भी बहुत बड़े होते हैं और ये आपको काट भी सकता है। और इसके अलावा अरे इनमें से कोई लोमड़ी हुई तो अपने को कैसे पता लगेगा, लोमड़ी तो ऐसी दिखती है, ये तो बात तो सही है यार, ऐसी दिखती है लोमड़ी। हाँ लोमड़ी की पूँछ लंबी आती है भाई, इसकी तो पूँछ तो इतनी भारी नहीं है, इसकी पूँछ तो ठीक ठाक सी है। और गाइज इतना टाइम हो गया इस रोड पे एक गाड़ी नहीं आई है और यही रीज़न है, ये इतने शर्मीले होते हैं लेकिन जब कोई व्हीकल नहीं आता तो ये बाहर निकल जाते हैं, रोड पर घूमते रहते हैं, और जब कोई व्हीकल आता है तो अंदर घुस जाते हैं। लेकिन पिछले बड़े बड़े फ्रैंक गीदड़ मिले हमको, कहाँ पे है अरे रोड घूम रहा है, ये घूम रहा है पर राइट कहाँ, क्या हुआ क्या हुआ है क्या था, पीछे आ रहा था, किसके पीछे आ रहा था, पीछे। अरे तुम मरवाओगे यार, अरे बैठो इसके लाइट पकड़ो उसकी। गाइस इन लोगों को पता नहीं पीछे क्या दिखा है, और ये जो बता रहे हैं उसके हिसाब से कोई बहुत खतरनाक जानवर है 100%, क्योंकि वो गीदड़ नहीं है, मतलब वो था हमसे 15-20 फीट दूर था, ज्यादा नहीं था, 15-20 फीट ही दूर था, 15-20 फीट। फिर तो तुम सही भाग लिए भाई, क्योंकि ऐसे टाइम पर रुकना नहीं चाहिए, अगर आपके पास में सॉल्यूशन है, गाड़ी है तो गाड़ी में घुस जाओ। वैसे हम यहाँ पर 7 लोग हैं लेकिन फिर भी भाई रिस्क तो रिस्क ही होता है यार। ये क्या है भाई, ये क्या है, रुक 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 रुक, ये तो बिल्ली है, ये बहुत बड़ा है, लाइट दे लाइट दे लाइट दे, एक है भाई साहब, 3-4 ये तो उसमें बहुत बड़ा है यार, पीछे है क्या, नहीं नहीं आगे आगे ही है, रुक करता है, नहीं रोक ले गाड़ी, गाड़ी बंद कर दे, वो रहा। गाइस एक गीदड़ हमें यहाँ दिखा है इस जगह पे, और साफ साफ दिखा है बहुत अच्छे से, लेकिन हम लोग उसको कैमरा में गाइस कैप्चर नहीं कर पाए। इसका रीज़न ये है कि वो उस साइड में बैठा हुआ था, बहुत पास था और खूब आराम से भाग के गया, तो हमने 9 गीदड़ देख लिए आज, लेकिन सॉरी हम उसको कैमरा में नहीं ले पाए भाई, यहाँ पे था। नहीं नहीं बिल्ली नहीं है भाई, गीदड़ है, यहाँ यहाँ है, वो रहा देखो गाइस, ये 10वां गीदड़ दिख गया हमको, वो रहा, चल चल कतार पास, चल पास चल पास चल पास चल, अरे कोई नहीं, तो अब जाएगा तो जाएगा ही अंदर, तो थोड़ा रोकेगा उसको, देख रहा है वो अभी, देख रहा है, ये रहा भाई, भाई साहब जो मकसद लेके निकले थे वो पूरा हो गया। और शुरू में हम सोच रहे थे यार क्या ही गीदड़ ढूंढेंगे, मिलेंगे नहीं, लेकिन भाई सामने गीदड़ है, ये रहा देखो अभी एकदम खड़ा हो गया रोड के ऊपर। और भाई सॉरी मैं इस कैमरा में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, बस रोक ले, बोलना मत ना, चुप रहना। गाइस देखो इसने अपना मुँह निकाल रखा है, और भाई बिल्कुल भेड़िए जैसा लग रहा है यार ये। गाइस 10 गीदड़ मिले हमको, सोचो ये जानवर जो किसी को दिखते नहीं है, ये भागा, ये निकला गाइस, ये गया गीदड़। भाई 10 गीदड़ हमको दिख चुके हैं, और बस गीदड़ों की यही है कि वो जैसे ही थोड़ा सा भी डरे इतना शर्माते हैं कि निकल जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा शाही होते हैं। 10 गीदड़ मिल चुके हैं भाई, और रात के फिलहाल 3:08 है भाई, अगर आप टाइम देखो रात के 3:09 हो रखे हैं फिलहाल। देखो कोई बता सकता है अगर गीदड़ का सामना इंसान से हो जाए, इंसान का सामना गीदड़ से हो जाए तो क्या होगा फिर, कुछ नहीं होगा, इंसान भाग जाएगा, गीदड़ जाएगा। नहीं अगर वैसे इनका सामना हो, इनकी लड़ाई हो, तो क्या होगा फिर, इंसान जीत जाएगा, कोई भी जीत जाएगा, गीदड़ बबकी देता है वो, तो बबकी देता है वो, सिर्फ रात है वो, लेकिन वो वैसे डरपोक होता है बहुत ज्यादा, लेकिन तभी तो गीदड़ की डरपोक से वो करी जाती है तुलना,
जो डरपोक होता है उसको गीदड़ बोलते हैं। गाइज मैं हूँ शेर और ये है गीदड़, तो सो अब तुम अंदाजा ला सकते हो कि कौन बहादुर है। मैं हूँ शेर की तरह बहादुर और अंकित है गीदड़ की तरह डरपोक। ओरा 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 भाई भाई, ग्यारहवा गीदड़ अभी वहां था। ये रहा है नहीं, एक है भाई, एक है ये भाई, अभी पीछे गया, पीछे है क्या आगे? रुक, करता यही रोक ले गाड़ी, गाड़ी बंद कर दे, लाइट बंद मत करना। ओरा वो भागा। गाइस यहाँ पर हमको एक और गीदड़ दिखा और हमको 11 गीदड़ दिख चुके हैं भाई, 11। और अभी हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर ली है और हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो निकल के आ जाए, हम उसको परेशान भी नहीं करना चाहते, तो दूर खड़े होकर वेट कर रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे। चलो 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 चलो, गो 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 भाई। ये रहा एक और गीदड़ यहाँ पर, गीदड़ नंबर 14। दिखना बंद हो गया भाई, काहे नहीं दिख रहा है ऐसे? घर में घुस गया, चलो कोई नहीं भाई। एक गीदड़ सामने है, वो रहा, 15 गीदड़ मिल गए भाई। भाई गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए गाड़ी से निकल चुका यार थोड़ी देर के लिए। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और रोड पे ही हमने रोक लिया गाड़ी को, और इस रास्ते पे भी गीदड़ हैं भाई। कितने गीदड़ हमको मिल गए यार, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये होने वाला है यार। ये रहा। गाइस ये है एक झाऊ चूहा जिसको हेजहॉग भी बोलते हैं। ये देखो, ये आ गया। ओ दिखा 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 ओ भाई, ये तो ओ भाई, ये हेजहॉग है और ये झाऊ चूहा जिस पे कांटे होते हैं ना, कांटेदार चूहा। ओ भाई साहब, मैं बाहर आ जाऊं एक बार। वो गया 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 गया। अरे भाई, मतलब क्या क्या भाई मिल रहा है आज भाई। नींद आने लग गई है, हम लोग वापस आ चुके हैं और फिलहाल 5 बज चुके हैं सुबह के। हम लोग निकले थे रात को 10 बजे और सुबह के 5 बज चुके हैं, यानी कि 10 से 11 12 1 2 3 4 5 7 घंटे तक हम लोग इधर उधर भटकते रहे गीदड़ ढूंढने के चक्कर में, और हम लोगों को बहुत सारे गीदड़ मिले क्योंकि हमने इतना देर तक ढूंढा। शुरू में तो हमको नहीं मिला कुछ भी, लेकिन जब मिलना स्टार्ट हुए उसके बाद में हर 20-25 मिनट में, यानी कि हर 10-20 किलोमीटर के डिफरेंस पे हमको गीदड़ मिले, और हमने आपको भी गीदड़ दिखाए भाई। उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया देखा होगा। हमने किसी गीदड़ को परेशान नहीं किया, ना हमने किसी गीदड़ से छेड़छाड़ करी। हमारा मकसद था एक तो ये देखना कि कितने गीदड़ होते हैं बाहर, और आपको गीदड़ दिखा भाई, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतने सारे मिलेंगे। हम तो सोच रहे थे एक गीदड़ दिख जाए, लेकिन हमने इतना टाइम तलाश करी और इतने सारे गीदड़ जो है वो हमको बाहर घूमते मिले। ये जानवर बहुत ही ज़्यादा शाय होते हैं, तो इसीलिए जैसे ही इनको पता लगता है कोई है या कोई हमको देख रहा है, तो ये तुरंत से घुस जाते और वापस भी नहीं निकलते उसके बाद में। और गीदड़ जो है वो जंगली जानवर है, वैसे जंगलों में रहता है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट स्टिल गीदड़ जो है वो एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि आप जिसको परेशान नहीं कर सकते, उसको पाल भी नहीं सकते, और आप किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं। हमारा मकसद था आपको ऐसे जानवर दिखाना जो कि आपके हमारे बीच में घूम रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे टाइम निकलते हैं, ऐसी जगह पर निकलते हैं जहाँ पर अक्सर या तो हम जाते नहीं है, या फिर वो इलाका सुनसान होता है, जंगल के करीब होता है। लेकिन आज देख लिया गाइस, तो आप सब लोग लाइक ज़रूर से कर देना। आप में से किस किस ने गीदड़ पहले देखा हुआ है अपनी आँखों से, तो वो नीचे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, ज़रूर से। और कितनी बार देखा है, अगर ज़्यादा बार देखा तो वो भी बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए गाइस, ऐसे यूनिक आइडियाज़ आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब हमें भी भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपको देख करके पता लग ही रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।